ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुख बड़ी ना कर हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना बालू भैया स्वागत करता हूँ एक नए व्लॉग में। और ये हमारे ऋषिकेश टूर का अगला दिन है और आज हम फाइनल हो गया, हम जा रहे हैं मसूरी की तरफ। अब ये कंफ्यूजन हो रही है कि ड्राइवर करे या सेल्फ ड्राइव करके जाए। मेरा बहुत मन है सेल्फ ड्राइव करके जाने का, क्योंकि काफ़ी चौड़ी रोड है, कुछ रिस्क वाला काम नहीं है। पर मम्मी घबरा रही हैं थोड़ा, मम्मी को मतलब काफ़ी पहले गई थी तो याद भी नहीं है, और उन्हें पहाड़ों से थोड़ा लगता है, तो इस वजह से। बाकी देखो, मैं तो यही मन कर रहा है कि खुद लेके जाएं। और ये सामने व्यू चेक करो, ये मैंने कल भी दिखाया था, बट सुबह सुबह ऐसा व्यू मिल जाए तो मज़ा ही है। सामने पहाड़ वहाड़, यार यहाँ के लोग कितने लकी हैं कि इतनी अच्छी जगह रह रहे हैं। जब मन चाहे गंगा जी में नहा ले, जब मन चाहे आरती देख ले, जब मन चाहे पहाड़ों पर चले जाएँ यहाँ से थोड़ी दूर। ये होगा, अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने नीचे, और इन लोगों ने ड्राइवर कर दिया है, मतलब ज़्यादा घबरा रहे हैं ये थोड़ा, मतलब कि चढ़ाई है ये वो है, बल्कि मसूरी तो कुछ नहीं है इतनी, तो इन्होंने ड्राइवर कर दिया। और अब देहरादून से ड्राइवर है, देहरादून में मेरे ताऊ जी रहते हैं, तो उन्होंने ड्राइवर करवा दिया और वहाँ तक खुद लेके जाएंगे। और ब्रेकफास्ट कर लिया, शूट करना रह गया, अब ये पपाया खा रहा है। ये चीज़ अब देखिए, वो एयर हॉकी है, इसे नाम नहीं पता, पर हाँ अमीरों का गेम है, ये कैरम बोर्ड है। ये अब दिखा है यहाँ पे ऊपर जो पापा सबको 500 रुपए बांट रहे हैं, फिर 500 रुपए दीदी को दिए, 500 मुझे दिए, मैं तो चेंज मांगे थे। चलो ऑल सेट टू लीव आवर ब्यूटीफुल रूम। यार मैंने आप लोगों को मम्मी पापा का रूम नहीं दिखाया शायद, वो ज़्यादा अच्छा है, वो उस पे हैप्पी एनिवर्सरी और वो सब लगा हुआ था, लाइट्स ऑन नहीं है, जैसे ये लगा हुआ है, यहाँ पे फूल वूल भी थे। और ये इनका किचन है, ये थोड़ा महंगा रूम है ना, तो इनका फ्रिज भी दिया है, टीवी है, मतलब ये एरिया अलग है इनका पूरा। और पर ये है कि हमारे से व्यू है, इनके से व्यू ऐसे अच्छा नहीं है, पहाड़ दिख रहे हैं बट हाँ, इनका जैसे बालकनी बड़ी है, बैठ बैठ सकते हो आराम से। सो ये भी बाय बाय एंड थैंक यू सो मच टू प्राइड इन बाय विन सोबर। और अगर मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपको किसी को भी करवानी हो बुकिंग, तो ये मेरी बुआ ने कॉन्ट्रैक्ट पे ले रखा है ये, तो वो करती हैं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, किसी को भी करवाना हो तो, अपना ही होटल है। अब हम चेकआउट कर रहे हैं नीचे की तरफ, ये रिसेप्शन एरिया, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री टेम्पल। ये है होटल प्राइड इन बाय विंडसोवर। अभी हम यहाँ गए थे, मेरे एक ताऊ जी रहते हैं यहाँ पे देहरादून में, और है? अब हम फाइनली जो मैं चाहता था वही हुआ, ड्राइवर नहीं किया, कैंपटी फॉल ड्राइवर नहीं किया, खुद लेके जाएंगे मसूरी। अचीवमेंट है, लाइफ में नई नई चीज़ें ट्राई करते रहनी चाहिए, अब लेके जाएंगे। मैं सुबह काफ़ी गुस्सा हो रहा था कि ड्राइवर क्यों कर लिया, तो इसलिए नहीं किया, बाकी देख एक्चुअली कंसल्ट कर लिया, सब ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है, इतना ज़्यादा हिल नहीं है, और वो बोलो तो गाइस, ये हमारी मम्मी डरती हुई कि मंत्र स्टार्ट हो गए हैं। लोग जब बनाया करो ना, वो दोस्तों पहाड़ दिखते हुए मजे आ रहे हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं वो तो मजे आ रहे हैं, पर सबसे ज्यादा मुझे इस बात की एक्साइटमेंट है कि सेल्फ ड्राइव करके जा रहे हैं पहाड़ों पे, बहुत मजा आ रहा है। मम्मी घबरा रही है, पापा घबरा रहे हैं, मैं और दीदी मस्त है, बट मजे आएंगे। यहाँ पे एक वो है, महादेव का मंदिर है, तो वहाँ दर्शन करने आए हैं, और देखा होगा मजे आ रहे हैं गाड़ी चलाने में, ऐसी जगह तो मजे आते हैं, प्लेन में तो मोबाइल ले चला देना, अगर यहाँ पे क्यों मोबाइल ले चलो। बस मम्मी घबरा रही हैं और थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा घबरा रही व्यू देखो यहाँ पे,
मैं आज से वेलकम टू मसूरी गाइस। यहाँ जाने किस बात की लाइन लग रही है? मेरे ख्याल से टोल वोल है शायद। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना। सूरज की किरण आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे। हालांकि रोकने के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। हाँ निकल लो, बना लो। अरे भैया इधर कर ले तो। मम्मी को देखा भैया, गाड़ी थोड़ी इधर कर ले भैया, किनारे से भैया। देखो आगे एक और जा रहा यूपी 14 वाला भैया। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट। वाह जय जय हो मसूरी। वो कह रही है रेस्टोरेंट वाली सीधा चल सीधा चल, एक सीधा रास्ता है क्या? सारा तो घूम घूम के तो पागल हो गए टीवी के रास्ते। सीधा है क्या? नहीं फिर घूमे। अरे कैंपटी जल्दी आ जा भाई। ओए भाई भाई भाई, अरे भैया ये कैंपटी फॉल जा रहा था इधर ही। सही है रोड सही जा रहे। सूर्य पे जा रही, चले जाओ जाओ। चढ़ के सूर्य पे भी गई है, चंदा पे भी गई है। सूर्य पे कौन सा चला गया भैया? चंदा पे तो दुनिया गई, तुम सूर्य पे जाओ तब पता लगेगी सही चीज। हुसैन पहाड़ों बैठे बैठे हुसैन पहाड़ों का कौन सा हुसन दिख रहा है यार? जो हुसन है। अरे मेरी अरे भैया कि मैं बस में गया था, मुझे उल्टी नहीं हुई। तू तो रहे अब देख रहे हैं, इस बार उसे हम चले आए इसके। नहीं इसे उल्टी नहीं आई, ये इसका वो था। और इसने हमारी सबकी जिंदगी दांव पे लगा दी है। अरे कुछ नहीं हो रहा है मम्मी, सब बढ़िया। ये तो सच में यार, आप जाने और ऊंचाई पे जाऊंगी। नहीं जाना है ना भैया, मुझे ज्यादा ऊंचा पसंद ही नहीं है। मुझे तो नीचे ही पसंद है, ग्राउंड फ्लोर पे रहना। मैं अपनी छत पे नहीं जाती, वन फर्स्ट फ्लोर पे। मुझे वही डर लगता है तो मुझे कहाँ कितने फ्लोर ऊंचा ले आया। अभी कुछ वैसा नहीं खाएंगे, मैगी वैगी खाएंगे बस। अरे अरे हम आज आके देखेंगे ये खाना है क्यों, फिर उससे पेट भर जाएगा रात तक के लिए। वापस चलेगा 3-4 घंटे ऊपर। हम फाइनली कैंपटी फॉल पहुंच गए हैं। अभी कहां पहुंचे? अरे मतलब नीचे है, पैदल पैदल पार्किंग में आ गए, पार्किंग तक पहुंच गए और नीचे कैंपटी फॉल है। पार्किंग के 200 रुपया, मतलब अभी तक की मेरे ख्याल मॉल वॉल हटा दो, वेले हटा दो वैसे, पर ऐसी जगह में पार्किंग भी कोई ऐसी VIP नहीं है, पर हाँ 200 रुपये पार्किंग के दिए हैं, जो कि 50 हद से हद 100 रुपये की पार्किंग है, उसके 200 रुपये सीधा डबल। ठीक है पर अब क्या करें, अब यहाँ से नीचे पैदल जाना है। अब हमें ये भी लग रहा है कि पहले जल्दी खड़ी कर दी, ये साइड हो जाओ, पहले जल्दी खड़ी कर दी, और ये भी लग रहा है कि ठीक है अब पहले पैदल नीचे तक चले। मगर मज़ा बहुत आया, बहुत बढ़िया एडवेंचरस सा था। मैं तो फर्स्ट टाइम था पहाड़ों पर चलाना, बहुत बढ़िया। आने तो यहाँ छाया ही तो है। अरे अब क्या लेनी है? नीचे ले लेना सूसू के 10 रुपये भाई साहब, बहुत महंगा है ये तो, 5 रुपये लगता है। व्यू देखो यहाँ से पहाड़ से, ये लोग यहाँ अटक गए फोटो करवाने। मेरी और तेरी से ले भी सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ तैयार हो जिले इलाही हुआ। जलालुद्दीन अकबर कैसे लगे बाबा? चिंग चोंग किम जोंग नॉर्थ कोरिया वाला।
अब ये लोग मेरे पीछे भी पड़ रहे हैं। क्या हो यार भैया, तो चलो अब करा लेते हैं जब सब पीछे। हाँ वही तो बाल पकड़िए, ये अंकल करा रहे हैं जबरदस्ती। क्या हुआ यार भैया, मेमोरीज ऑफ एम्प्टी फॉक्स। हाँ बस वही बात है। हाँ मम्मी पापा का इधर फोटो शूट चल रहा है अभी, फोटो सेलेक्ट हो रही है अभी। खाना का कौन तलवार वाला होगा ना जो मम्मी कर रही है, कौन सा देगा ना। ये देखो भाई ये गाड़ी यहाँ तक आ गई, मेबैक आ रहे हैं सीढ़ियों पे, ऊपर खड़ी सीढ़ियाँ। यहाँ पे दो वो हैं वाटरफॉल, एक ऊपर है एक नीचे है। नीचे वाले के लिए टाइम नहीं है सर, ऊपर वाले के लिए काफ़ी टाइम। ये राइट ये दूसरा है, कैंपटी फॉल नहीं है। एक्चुअली क्या है रोप वे भी है, हम यूँ कह रही वहीं उधर जाते हैं। अरे नहीं चलो 150 से 200 ये लोग, अरे नहीं होंगे वहाँ पे। एक्चुअली क्या पापा के नी में भी दिक्कत है ना, तो वहाँ 350-400 सीढ़ियाँ, इस वजह से वहाँ नहीं जा रहे। और रोप वे है, और रोप वे में भयंकर भीड़ है। और यहाँ पे रोप वे नहीं है, पर सीढ़ियाँ हैं ऊँची ऊँची हैं, पर इतनी नहीं है। और यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट से बना दिया नहाने के लिए, एक ये एक ऊपर है एक उससे ऊपर। ओए सॉरी कैम भी फॉलो वो चल रहा है, और यहाँ पे गर्मा गर्म में ही अलग ही मजा है। ना भी लिए वो क्लिप्स डालूँ ना डालूँ वो देख लूँगा, अगर बनाई होंगी तो डाल दूँगा। और ना लिए बढ़िया से एक इधर से एक इधर से मारो क्या फोटो। और ये पीछे कपड़े सूख रहे हैं, हमारे नहीं है किसी और के हैं। ये लिमका है, ये सब जगह 40 की मिलती है प्रिंट रेट पे, बट यहाँ पे जो है 50 की मिल रही है। वो कह रहे सब जगह 50 की मिलेगी प्रिंट रेट से ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है। मैगी खाइए अभी, और मंगाइए मैगी, और अब चाय भी मंगाई गई है। देखो अच्छा एनवायरनमेंट है, अब हम जल्दी निकलेंगे। एक्चुअली क्या है धूप कह रहा हूँ सॉरी, जल्दी मतलब रात हो जाएगी, पहाड़ों का वो है एरिया तो वो रहेगा ना मतलब रिस्क रात को, तो जल्दी जल्दी अपना दिन में देहरादून पहुँच जाए तो ठीक है। ऊपर ऐसा लग रहा था शाम सी हो गई, अभी यहाँ पे धूप है। ये मेन रोड है, बहुत अच्छा है। क्या नाम है इसका? ये वैसे कुमानी मैं नहीं खा रहा। फोटोज भी ले लिया जो खिंचवाई थी, और अब जा रहे हैं बस गाड़ी के पास और निकलेंगे यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे आराम से। अपना कोई वो नहीं है, सही टाइम पे निकल गए, आ गए, थोड़ा लेट हो गए थे आने में बस, पर निकल सही टाइम पे गए, सही है। अभी पापा कह रहे थे लाओ मैं चलाऊंगा गाड़ी, तो मम्मी दीदी एकदम वो हो गए रहन दो करके। फिर अभी पापा भुट्टा लेने गए, और मैं ये व्यू देखने आया हूँ, क्या व्यू है यार सच में। ये खड़ी अपनी धन्नो, बहुत साथ दिया भाई साहब इसने, दौड़े आई पूरी। यहाँ पे लाइफ टफ है वो मैं भी मानता हूँ, पर अच्छी लाइफ है, मतलब लोग स्वस्थ रहते हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा है। पर यहाँ भी अब पॉल्यूशन होने लगा, यहाँ पे भी लोग गंदगी करने लगे हैं। अब चाहे यही सब देख लो कैसे गंदा पड़ा है, ऐसी बात नहीं, पर अच्छी जगह है, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री है। ये सनसेट वहाँ पे इतना सुंदर था ना कि मैं बता नहीं सकता, और जब भी मैं सनसेट देखता हूँ या शाम की बात होती है तो मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि दिन ढल गया तो रात निकलने की आस में, कि दिन ढल गया तो रात निकलने की आस में, सूरज नदी में डूब गया और हम ग्लास में। पापा का बहुत देर से मन कर रहा था गाड़ी चलाने का, और बीइंग अ लड़का मैं समझ सकता हूँ कि मन कर रहा होगा,
मम्मी और दीदी घबरा रहे थे कि नहीं पापा को मत दे, बट हाँ मैं समझ सकता हूँ पापा का मन कर रहा था तो इस वजह से साइड में रोक के अब एक्सचेंज जो है पापा चलाएंगे। पापा कह रहे हैं हर थोड़ी देर तो चलाने दो, यहाँ पे अब ध्यान नहीं दिया उस समय तो गाड़ी में गाना चल रहा था तो इस वजह से कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं वो स्टोरी बता रहा हूँ कि जब 26 साल पहले मम्मी पापा मसूरी आए थे घूमने, तो और अब 26 साल बाद फिर मसूरी गए हैं, तो एक ये भी मेन रीज़न था मसूरी जाने का कि 25th पे पापा बाहर थे तो इस वजह से, और 26th पे पापा हैं तो घूमने की मसूरी चलते हैं, तो इस वजह से भी हम मसूरी आए थे कि थोड़ा घूम लेंगे और मम्मी पापा पुरानी यादें ताज़ा कर लेंगे। एक तो हमें इस रोड पे मसूरी जाते हुए बहुत मजिस्ट्रेट मिले, कोई तहसीलदार है कोई कुछ है, पुलिस कमिश्नर भी। अब ये मजिस्ट्रेट साहब बताओ ट्रैफिक पुलिस ने रोक रखा, ऐसा नहीं है लाइटेड ट्रैफिक पुलिस ने रोक रखा और ये भी रुके हुए हैं, मतलब विच इज़ द गुड थिंग आई थिंक सो। यूपी में अक्सर ऐसा नहीं होता है, होने लगा अब तो खैर, पर जैसे ये रुके हुए हैं नहीं तो अक्सर नहीं रुकते। हम पहुंच गए हैं अभी घर, मेरे ताऊ जी का घर है, यहाँ गार्डन है बहुत बड़ा, हो सकता है टूर सुबह दूँ। अब थक गए हैं काफ़ी, अब जाके बैठेंगे रेस्ट वेस्ट करेंगे खाना पीना खाएंगे, मगर मज़े आ गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।